Shri Ram Sena chief seems back to his ridiculous rants. Now Pramod Muthalik has triggered off a fresh controversy with his address in Coimbatore. इसके ऊपर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि गन लाइसेंस से कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये गलत बात है। जो हिंदू लीडर्स पर अटैक कर रहे हैं तो वो तो गन लाइसेंस लेकर इलीगल तो हम अटैक नहीं कर सकते। हम कोई यहाँ तक 68 ईयर्स हो गए स्वतंत्र के दिन में, कोई हिंदू ऐसा लीडर नहीं है कि गन से अटैक किया हुआ, ऐसा नहीं है। तो हिंदू लीडर प्रोटेक्शन के लिए हमने एक आग्रह कर रहे हैं, ऐसा ही कहना है। और जो कहते हैं, जो आपने बताया कि दलित हो और कोई लीडर्स हो, उनका इच्छा है तो देना चाहिए। इलीगल हो गया तो गवर्नमेंट है, पुलिस है, वो कानून कार्रवाई कर सकते हैं, लॉ है ना। तो इलीगल है, इलीगल हमने उपयोग दुरुपयोग किया तो कानून कार्रवाई कर सकती है। एक गन लाइसेंस से कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होता है, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट। Another ridiculous comment coming in from the Shri Ram Sena chief. He says that Hindu leaders should be given licensed weapons. His logic seems to be that there have been over 130 deaths in Tamil Nadu despite police and other security agencies.